हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करेंगे जो आपकी पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप है वो कब तक आपके अकाउंट में पे कर दी जाएगी, आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी समझ लीजिए जो ये दो गलती किए होंगे, उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आएगी, तो वो भी वीडियो के अंत तक बने रहिए, उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपकी जो पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप आती है वो लगभग 3 किस्तों में आती है, जिसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। आपकी जो पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप आएगी लगभग 3 किस्तों में आएगी। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स बहुत समझदार होते हैं जो अपना जो फॉर्म होता है वो बहुत जल्दी भरे होते हैं, स्टार्टिंग में ही भरे होते हैं, तो क्या होता है कि उनका पहले ही किस्त में स्कॉलरशिप उनके अकाउंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बहुत लेजी होते हैं और बहुत लेट तक अपने फॉर्म को फिल किए होते हैं, उनका क्या होता है, दूसरे या तीसरे में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आती है किस्त में। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि स्कॉलरशिप आती ही नहीं, लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में भरा होता है, जल्दी भर दिया होता है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसका स्कॉलरशिप पे कर दिया जाता है। ये थी आपके स्कॉलरशिप आने के इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब बात करें कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होती है आपकी स्कॉलरशिप की। तो देखिए, लगभग 25 दिसंबर के आसपास आपकी स्कॉलरशिप की पहली अमाउंट जो होती है वो दे दी जाती है। ठीक है, और लगभग 10 जनवरी के आसपास आपकी दूसरी, और लगभग 25 जनवरी के आसपास आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है। ये पिछले 2 साल से ऐसे ही हम देख रहे हैं, शायद इस बार भी ऐसे ही हो, अप्रॉक्स इसके आगे ही पीछे हो सकता है, मतलब दिसंबर ख़त्म होते होते आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। आप बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब ऐसी गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप की फॉर्म जो है वो निरस्त हो जाएंगे। तो देखो, छात्रवृत्ति योजना में 3.5 लाख छात्रों के आवेदन हुए निरस्त। क्यों? जाति एवं आय प्रमाण पत्र, नैक और NBA ग्रेडिंग न होने पर किए गए योजना से बाहर। इसमें क्या लिखा है कि जाति एवं आय प्रमाण पत्र का मिलान न होने पर, कुछ भी जो तुम अगर फॉर्म में फिल किए हो, जो तुम फॉर्म में फिल किए हो और तुम्हारे इनकम सर्टिफिकेट में वो नहीं है, जब दोनों का मिसमैच हो रहा है तो कैसे आपको स्कॉलरशिप दी जाए, बताओ। ठीक है, उसके साथ साथ ही अगर आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट और बता दूं बात, अगर आपने ये 2 काम नहीं किया है, पहला कि आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है जिस पर OTP आएगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, अगर आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप हरगिज आएगी ही नहीं। तो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, अगर बैंक अकाउंट से लिंक है तो, अगर डाटा सारा सही है, एक्यूरेट है, तो आपकी स्कॉलरशिप अगर आपने टाइम से भर दिया है तो पहले इंस्टॉलमेंट में आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन मेरा मुझको देना था, और आई थिंक आप सभी को मिल भी गया होगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।